दोस्तों, आज मैं आपको वेज पिज्जा बनाने वाली सास बहू की कहानी सुना रही हूँ। अरे अनुज जी, ये आप क्या उठा कर ले आए? वैसे ही हमारा एक कमरे का घर है, आखिर इतना सारा सामान रखेंगे कहाँ? रहने दे बहू, ये हमारी कभी नहीं सुनेगा। ना जाने फालतू की चीज उठा कर ले आता है। ये नहीं कि पहले घर बनवा लूँ, घर का प्लास्टर झड़ रहा है, अब तो घर भी सड़क से नीचे आ गया है। लेकिन नहीं, इसे तो बस इन सब बेकार की चीजों में ही खर्च करना है। माँ, ये कोई फालतू की चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही काम की चीज है। और ना ही मैंने इस पर कोई फालतू के पैसे खर्च किए, बल्कि मेरे मालिक ने मुफ्त में दिए। वो तो इसे फेंक रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा काम करवाकर इसको ठीक करवा लूंगा। और आखिर करोगे क्या इस मशीन का? तुम जानती हो, इस मशीन से पिज्जा बनता है जो मैं अपनी कंपनी में बनाता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक दुकान खोलकर खुद का पिज्जा बनाने का काम खोलूंगा। यहाँ के लोगों को तो पता भी नहीं है कि पिज्जा क्या होता है। वो बेचारे जब ये वेज पिज्जा खाएंगे ना, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या होता है ये वेज पिज्जा। अरे वही तो कह रही हूँ, यहाँ के लोगों को पता नहीं कि पिज्जा क्या होता है, तो वो कभी नहीं खाएंगे। और अभी मत पड़ इन सब चक्करों में। और अगर तेरी नौकरी चली गई और तेरा नया काम भी नहीं चला ना, तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे माँ, तो मैं कौन सा अभी खोलने के लिए कह रहा हूँ, कुछ समय बाद। इसलिए तो मैंने रूपाली को भी कढ़ाई में ही वेज पिज्जा बनाना सिखा दिया है, ताकि कल को ये भी पिज्जा की दुकान संभाल सके। एक दिन रात को खूब तेज बारिश पड़ती है, जिससे उनकी छत टपकने लगती है। अरे ये क्या, घर में तो पानी आ गया। मेरे माइक्रोवेव को उठाकर कोई ऊपर रख दो, नहीं तो बारिश के पानी से ये खराब हो जाएगा। ये देखो, इसे तो इस हालत में भी अपने इस मुए माइक्रोवेव की चिंता सताई जा रही है। फिर अगली सुबह, रूपाली बारिश थम गई है, मैं काम पर जाने से पहले बाजार से बड़ी सी पन्नी ले आता हूँ, उसे छत पर डाल दूंगा, जिससे पानी अंदर नहीं आएगा। जी आप रहने दीजिए ना, वो क्या है ना, मेरा मन आज सुबह से बहुत बेचैन हो रहा है। आज आप काम पर से भी छुट्टी ले लीजिए और फिर पिन्नी लेने भी कल चले जाना। अरे कुछ नहीं होगा रूपाली, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कह के अनुज दुकान की तरफ चला। रास्ते में काफी पानी भरा हुआ था, वो कुछ दूरी पर चलता है कि तभी बिजली के खंभे से लटकती तार पानी में गिर जाती है, जिससे पानी में करंट आ जाता है और अनुज उसकी चपेट में आ जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत की खबर जब उसके घर वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाय मेरा बच्चा, हमें छोड़कर चला गया, ऊपर वाले तूने क्या किया। अरे जाने की उम्र तो मेरी थी, मेरे बेटे ने तो अभी तक कुछ देखा भी नहीं था, उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। नहीं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? ये तो बस सो रहे हैं। अभी अभी आप देखना, नींद पूरी होती जाग जाएंगे। सुनिए ना, उठिए ना, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। आपने कहा था ना, साथ में मिलकर वेज पिज्जा की दुकान खोलेंगे और दोनों उसमें मिलकर पिज्जा बनाएंगे। बहू होश में आ, अनुज हमें छोड़कर जा चुका है और अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम दोनों को अकेले छोड़कर वो जा चुका है। इसके बाद रूपाली फूट फूट कर रोने लगती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन रूपाली उसके लाए हुए उस माइक्रोवेव को उठाकर दुकान जाने लगती है। रूपाली बहू, तू ऐसी हालत में इस मशीन को लेकर कहाँ जा रही है? माँ जी अब वो हमारे साथ नहीं है, अब हम दोनों गरीब सास बहू को मिलकर ही कुछ करना होगा। और वैसे भी अनुज जी का सपना था इसे पूरा करने का, तो अब मैं उसे पूरा करूंगी। पिज्जा बनाना उन्होंने मुझे सिखाया था और वो भी कढ़ाई में। अब वेज पिज्जा बनाकर हम उसे गांव भर में बेचेंगे, जिससे हमें थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो बहू, अब तो हमें उसका सपना पूरा करना ही होगा। तभी अनुज की कंपनी से उसका मैनेजर वहाँ। ये लीजिए माँ जी, ये अनुज की पिछले महीने की तनख्वाह है, इसे आप रख लीजिए, शायद आपके ही कुछ काम आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये पैसे हमारे बहुत काम आएंगे। माँ जी शुक्रिया मत कहिए, ये पैसे अनुज की मेहनत के हैं। ये कह के मैनेजर तो वहाँ से चला गया। सास बहू माइक्रोवेव ठीक करवाने के लिए दुकान पर जाती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो तो पूरी तरह खराब है और ठीक नहीं हो पाएगा। ये सुनकर दोनों सास बहू परेशान हो जाती हैं, लेकिन रूपाली अपने पति के सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो कढ़ाई पिज्जा बनाकर ही बेचने की सोचती है। इसके बाद दोनों सास बहू एक दुकान से पिज्जा बनाने का सामान लाती है। दोनों सास बहू घर आकर कढ़ाई में वेज पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती है और गांव भर में बेचने चल पड़ती है। उनकी आवाज सुनकर एक औरत वहाँ आती है। पिज्जा? ये पिज्जा क्या होता है? अरे बहुत ही मजेदार होता है ये पिज्जा, बबलू के पापा ने खिलाया था जब एक बार हम किसी काम से शहर गए थे। हाँ लेकिन अब आप सबको पिज्जा खाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है, अब अपने गांव में ही आपको सस्ता और ताजी सब्जियों से भरपूर पिज्जा खाने को मिल जाएगा। वाह फिर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे रेट क्या है इसका? जी सिर्फ 50 रुपए। अरे वाह इतना सस्ता, अच्छा तो लगा दो जल्दी से मेरे लिए वेज पिज्जा। हाँ और मेरे लिए भी। उनका बनाया हुआ वेज पिज्जा सभी को बहुत पसंद आता है। अच्छा आज वैसे भी मेरे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मुझे 10 वेज पिज्जा पैक करके दे दो और मेरे लिए भी 4 बना दो, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, हम सब भी यही खाएं। फिर सुमित्रा और रूपाली जल्दी से अपने घर जाती हैं और कढ़ाई में अलग अलग तरह की सब्जियों का पिज्जा बनाकर तैयार कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद ग्राहक उनके घर आते हैं और उनको पैसे देकर अपने अपने पिज्जा लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद उमा उसके घर एक लड़के के साथ आती है। रूपाली ये मेरा भाई रोहन है, मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इसने कल जब तुम्हारे हाथों का बना हुआ कढ़ाई वेज पिज्जा खाया तो इसको बहुत पसंद आया। हाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई गांव में रहने वाली औरत इतना अच्छा पिज्जा बना सकती है, और वो भी कढ़ाई में, और वो भी किसी दुकान में नहीं बल्कि घर से ही। मैं आपकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो। भला हमें क्या एतराज हो।
कुछ समय बाद। बताइए माँ जी, आपको ये कढ़ाई वेज पिज्जा बनाना कहाँ से आता है? आज तक सबने माइक्रोवेव में बने हुए पिज्जा तो खाए होंगे, लेकिन कढ़ाई पिज्जा हमने पहली बार देखा है। बेटा, मुझे ये सब मॉडर्न खाना बनाना कहाँ आता है? ये सब तो मेरी बहू ने मेरे बेटे से सीखा था, जो कि एक कंपनी में पिज्जा बनाने का काम करता था। जी माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये कढ़ाई वेज पिज्जा भी मुझे उन्हीं ने बनाना सिखाया था। ये उन्हीं का सपना था जिसे हमने पूरा किया है। रोहन उनकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता है। अब सास बहू का कढ़ाई वेज पिज्जा हर जगह मशहूर हो जाता है, जिससे उनकी माली हालत काफी सुधर जाती है और अब वो खुद का बड़ा पक्का घर बनवा लेती है। उस समय बाद वो अपना खुद रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें पिज्जा ही बेचती है। अब वो और भी लोगों को काम पर रख लेती है। उसे देखकर सास की आंखें भर आती हैं और वो उसे गले से लगा लेती है। दिल्ली वाली बहू का मैगी पराठा स्टॉल। मध्य प्रदेश के इंदौर में चांदनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। अगले महीने चांदनी की शादी है, इसीलिए उसके पिता मनोहर अपने पराठे के काम तोड़ मेहनत कर अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़ रहे थे। मनोहर ने चांदनी की शादी दिल्ली में रहने वाले विष्णु से तय कर। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ जाता है और गरीब माता पिता नम आंखों से अपनी बेटी की विदाई करते हैं। शादी कर चांदनी दिल्ली आ जाती है। फिर शादी की सारे रस्मों के बाद अगले दिन चांदनी अपनी पहली रसोई में हलवा और नाश्ते में मैगी पराठा बनाती है। अरे वाह, हलवा तो अच्छा बना है, लेकिन उससे भी स्वादिष्ट ये पराठा मैगी बनी है। हमने आज तक आलू, मूली, मेथी और प्याज के पराठे तो खाए थे, लेकिन पहली बार हमने ये पराठे में भरी हुई मैगी खाई है। तुमने ये कहाँ से बनाना सीखा? माँ जी, वो क्या है ना, बाबा पराठे बनाकर बेचते थे, और जब कभी मुझे मैगी खाने की इच्छा होती बाबा पराठे के अंदर ही मैगी भरकर मुझे खाने को देते थे। अच्छा बहू, ये ले तेरी पहली रसोई में मेरी तरफ से ये चांदी के बिछे। माफ करना, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आपने इतने प्यार से दिया है, मेरे लिए यही काफी है। इतने लाजवाब पराठे खाने के बाद तो मजा ही आ गया। अच्छा चांदनी, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। क्या तुम तब तक मेरा ऑटो साफ कर दोगी? मुझे देर हो रही है। जी ठीक है, आप तैयार हो जाइए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। फिर चांदनी ने विष्णु का ऑटो साफ कर दिया। विष्णु के लिए टिफिन पैक करके भी ले आती है। इतने में विष्णु तैयार होकर आ जाता है और अपना टिफिन लेकर ऑटो चलाकर ऑटो स्टैंड पर चला जाता है। आइए आइए, करावल नगर, शिव विहार, आनंद विहार, आइए आइए। भाई साहब, आनंद विहार चलोगे क्या है? और भाड़ा कितना लगेगा? जी 100 रुपए। ठीक है चलो। फिर विष्णु ने सवारी को ऑटो में बिठाया और उसकी मंजिल तक छोड़ देता है। ऐसे ही वो सारा दिन सवारी ढोने का काम करता और शाम को समय से घर लौटा था। समय ऐसे ही बीत रहा था और एक चांदनी अपने छोटे ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन थोड़ी बारिश हो जाने की वजह से दिल्ली की सड़कें बेहद खराब और पानी से भरी थी। एक रोज विष्णु जब उन गड्ढों से बचकर निकल रहा था, तभी उसका रिक्शा पलटकर गिर जाता है और विष्णु को चोटें आ जाती है। ये खबर मिलते ही विष्णु की माँ और उसकी पत्नी अस्पताल पहुँच। हाय हाय, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? देखिए, हिम्मत रखिए, इन्हें थोड़ी चोटें आई हैं और एक हाथ की हड्डी टूट गई है, जिसे ठीक होने में कम से कम 5 महीने लगेंगे, फिर वो अपने आप जुड़ जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये उस हाथ से कोई भी काम न करें। जी डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगी। 2 दिन हॉस्पिटल में रखकर डॉक्टर ने फिर विष्णु को घर भेज दिया। लेकिन अब घर पर रहने के कारण उनकी आमदनी बंद हो जाती है, जिससे कुछ दिन तक तो बचत से घर खर्च चलना शुरू हो जाता है, पर धीरे धीरे उनकी आमदनी बंद सी होती गई। अब बस भी करो माँ, जब देखो तब रोती रहती हो। अपने बच्चे को इस हालत में देख एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, ये बात एक माँ ही जानती है। लेकिन अब तू अगले 6 महीने तक बिल्कुल काम नहीं करेगा, समझा? माँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप तो जानते ही मेरे हाथ के पराठा मैगी कितने टेस्टी होते हैं, तो क्यों ना मैं मॉडल टाउन में स्टॉल लगाकर मैगी पराठा बनाकर बेचूं? बात तो तेरी सही है बहू, वैसे भी दिल्ली वालों को तो बस खाने का शौक है, और उसमें कुछ अलग तरह का खाना मिल जाए तो सोने पर सुहागा। मुझे लगता है तेरा ये पराठा मैगी स्टॉल काम कर जाएगा। अगले ही दिन जमा किए हुए कुछ पैसों से मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आती है, साथ ही जरूरत का और सामान भी ले आती है। वो अपने बाबा के साथ अक्सर ठेले पर जाती थी, इसलिए वो अच्छे से जानती थी कि क्या कैसे बेचना है। वो अगले दिन से ही अपना स्टॉल मॉडल टाउन में लगा लेती है। तभी मैगी देखकर उसके पास कुछ यंग लड़के लड़कियां आते हैं। अरे वाह यार, मैगी बहुत दिन हो गए खाए, चलो फ्रेंड्स आज साथ में मैगी पार्टी करते हैं। हाँ चलो। वो सब उससे मैगी बनाने को कहते हैं। जी माफ कीजिए, लेकिन मैं मैगी नहीं बेचती, यहाँ सिर्फ मैगी पराठा मिलता है। है? भला वो क्या होता है? खैर छोड़ो, भूख तो जोरों की लगी है, तुम्हारे पास जो भी है दे दो। वैसे है कितने का ये तुम्हारा पराठा मैगी? जी सिर्फ 25 रुपए का ही। ठीक है, फिर 6 लगा दीजिए। चांदनी उन सबको मैगी पराठा बना के पराठे के अंदर मैगी भरती है, साथ में उसमें हरा धनिया, मिर्च, नमक भी डालती है, फिर ग्राहकों को खाने को देती है। वो सब जैसे ही उसे अपने मुँह में डालते हैं, उसका स्वाद चख कर वो खुश हो जाते हैं। वाह यार, ये तो बड़ा ही टेस्टी है,
मैगी आज तक हमने मटर और वेजिटेबल्स के साथ तो बहुत खाई, लेकिन पराठे में भरकर हमने पहली बार खाई। लेकिन सचमुच क्या स्वाद है यार इसमें। हाँ, अब तो हम हमेशा ये मैगी पराठा ही खाएंगे। कुछ ही दिनों में उसके स्टॉल पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और उसके मैगी पराठे की खुशबू से लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। कुछ ग्राहक उसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल देते हैं, जिससे उसकी कमाई और कई गुना बढ़ जाती है। अब तो उसके पास ग्राहकों के साथ साथ जोमेटो और स्विगी से भी ऑर्डर आने लगते हैं और अब वो पूरे देश भर में दिल्ली वाली बहू का मैगी पराठा स्टॉल से फेमस हो जाती है। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और अब विष्णु भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। अब वो भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पराठा मैगी बेचता है। इस एक साल में उनकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है और वो फर्श से अर्श तक आ जाते हैं। अब वो अपनी और भी ब्रांचें खोल लेते हैं, जिससे वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर